आज हिंदुस्तानी सिनेमा की धूम पूरी दुनिया में है, बात चाहे कंटेंट की हो, एक्टिंग की या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। रोबोट, धूम 3, बाहुबली, फैन, क्रिश जैसी फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट्स किसी भी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। भारत में एनिमेशन टेक्निक के साथ फिल्म बनाना बाहर के देशों से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाले एक्सपर्ट भारतीय हैं। 2012 में आई लाइफ ऑफ पाई में हिंदुस्तानी एनिमेटर्स के काम को दुनिया भर में सराहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एनिमेशन का पहला प्रयोग किसने किया था? पहली बार एनिमेशन में प्रयोग करने का श्रेय उन्हीं को जाता है जिन्होंने हिंदुस्तान की पहली फीचर फिल्म बनाई, यानी दादा साहब फाल्के। ये 1912 की बात है जब उन्होंने टाइम लैप्स फोटोग्राफी टेक्निक के जरिए एक एक्सपेरिमेंट किया और द ग्रोथ ऑफ अ पी प्लांट नाम से एक स्टॉप मोशन एनिमेशन फिल्म बनाई। लेकिन ये कभी रिलीज नहीं हुई, पर 1915 में उन्होंने स्टॉप मोशन एनिमेशन को और ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश की और इस रिलीज्ड मूवी का नाम था मैच स्टिक। पहली एनिमेटेड फिल्म जिसे भारतीय थिएटर में रिलीज किया गया वो थी द पी ब्रदर्स। गुणमोय बनर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का प्रदर्शन 23 जून 1934 को चित्रा सिनेमा में किया गया। इसमें हाथ से बनी हुई ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को यूज किया गया था। 3 से 4 मिनट की इस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री और बाकी के कलाकारों को क्लासिकल स्टाइल की एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। फिर 1934 में पहली ऐसी एनिमेशन फिल्म आई जिसमें साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम था ऑन अ मूनलाइट नाइट। इस एनिमेशन फिल्म का साउंडट्रैक बनाया था न्यू थिएटर्स के आरसी बुराल ने, जो भारतीय फिल्मों में प्लेबैक भी लेकर आए। पुणे की प्रभास फिल्म कंपनी ने जंबू काका नाम की एक शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म 1934 में रिलीज की। इसमें एक मुख्य किरदार था जंबू काका, जो रघुनाथ के केलकर के जयकाल नाम के एनिमेशन से प्रेरित था। एनिमेशन की ये नई टेक्निक बहुत लोकप्रिय हुई और इसके कारण भारतीय एनिमेशन आगे बढ़ा। अगले कुछ सालों में के एस गुप्ते और जी के गोखले जैसे कई आर्टिस्ट और फिल्मकारों ने शॉर्ट एनिमेशन फिल्म्स बनाई, जिनमें बकम भट्ट, सुपरमैन्स मिथ, आकाश पाताल, लफंगा लंगूर जैसी फिल्में शामिल हैं। पहली साउथ इंडियन एनिमेशन फिल्म 1947 में प्रदर्शित हुई। सिनेमा कदम्बम इस नाम की फिल्म को जैमिनी स्टूडियोज के एन नाथू ने बनाया था। ये पूरी तरह भारतीय एनिमेशन फिल्म थी। 1948 में फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। 1956 में फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया को यूनेस्को की तरफ से यूएस टेक्निकल कॉर्पोरेशन ग्रांट दी गई, जिससे एनिमेशन के क्षेत्र में नए क्षितिज खोजे जा सके। डिज्नी के भूतपूर्व एनिमेटर क्लेयर वीक्स ने राम मोहन, भीमसेन खुराना, साटम, अजरा मीर और प्रमोद पति को ट्रेनिंग देना शुरू किया। इस ग्रुप की पहली एनिमेशन फिल्म थी द बैनियन डियर, जो भारतीय एनिमेटर्स ने क्लेयर वीक्स की गाइडेंस में पूरी की थी। इस फिल्म में जातक कथाओं को दिखाया गया था। इस फिल्म के एनिमेशंस भारत के दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आए। इस ग्रुप के दो नाम भारतीय एनिमेशन में बहुत मायने रखते हैं, एक राम मोहन, जिन्हें आज एनिमेशन इंडस्ट्री का वेटरन माना जाता है। फैमिली प्लानिंग पर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित फिल्म बाप रे बाप उन्होंने ही बनाई थी। दूसरे प्रमुख हैं भीमसेन खुराना, जिन्होंने 1974 में एक अनेक और एकता नाम से एक बड़ी ही मशहूर एनिमेटेड फिल्म बनाई थी, जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुई और जिसे शायद अपने बचपन में आपने भी देखा हो। उन्होंने ही 1992 में पहली कंप्यूटर एडेड एनिमेशन सीरीज लोक गाथा बनाई थी। वक्त के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में एनिमेशन के क्षेत्र में बहुत से कामयाब एक्सपेरिमेंट्स हुए। इनमें से एक था पपेट्री फॉर्म को जोड़कर एनिमेशन को एक नया रूप देना। जब एनिमेशन कमर्शियली लोकप्रिय हो रहा था, उस समय ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था कि एनिमेशन बनता कैसे है, कितना वक्त लगता है और एक कार्टून या एनिमेशन फिल्म बनाने में कितनी मेहनत लगती है। फिर भी फिल्मों में थोड़े थोड़े प्रयोग होने लगे थे। कास्टिंग में किसी किसी फिल्म के गाने में एनिमेशन दिखाई देने लगा था।
80 के दशक में बनने वाली ज्यादातर एनिमेटेड सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स एजुकेशनल होती थी, लेकिन प्रयोग हर स्तर पर होते रहे। ऐसा ही अनोखा प्रयोग पहली बार किया गया 1989 में, जब एनिमेटेड कैरेक्टर्स वास्तविक कलाकारों के साथ पर्दे पर दिखे। ये थी तमिल फिल्म राजा चिन्ना रोजा। हालांकि इसके एक गाने में ही ऐसा दिखाया गया था, जो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आया और इसने सिनेमा में एनिमेशन के लिए नए रास्ते खोले। 90 के दशक में कलाकारों ने एनिमेशन में वॉइस देना शुरू कर दिया। इससे पहले कार्टून नॉन एक्टर्स की आवाज में डब किए जाते थे, लेकिन एक बार जो ट्रेंड शुरू हुआ तो बढ़ता ही गया। डिज्नी की फिल्म द लॉयन किंग आपको याद ही होगी, उसमें शाहरुख खान और उनके बेटे ने डबिंग की थी। दूसरे देशों के साथ मिलकर जो प्रोडक्शन हुए वो भी एनिमेशन में काफी पसंद किए गए, लेकिन पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म जो पूरी तरह भारत के स्टूडियो में बनी वो है पांडवास द फाइव वॉरियर्स, जो साल 2000 में रिलीज हुई। हालांकि तब तक भी भारत में क्वालिटी एनिमेशन फिल्म बनाना काफी मुश्किल था, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। एनिमेशन फिल्मों का एक अलग दर्शक वर्ग है और फिल्मों, टीवी धारावाहिकों तक में एनिमेशन अपने भव्य रूप में नजर आता है। आज ये सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा प्रद ना रहकर एक संपूर्ण आर्ट फॉर्म में तब्दील हो गई है। ई एजुकेशन, मेडिकल, मैकेनिकल इंफॉर्मेशन, आर्किटेक्चर, वेब डिजाइनिंग, टीवी सीरीज, कंप्यूटर गेम्स, कहाँ नहीं है एनिमेशन। जब भारत में एनिमेशन की शुरुआत हुई थी तो किसी को पता नहीं था कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, लेकिन आज एनिमेशन की अपनी एक खास जगह है, अपना एक फ्यूचर है।